हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख रहे हो, आज हम लोग झारखंड का सीजीएल का फॉर्म आज निकल चुका है। उसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, पूरा प्रोसेस आप लोग को बताया जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो आपको इस वेबसाइट में आना है, इस वेबसाइट में किस तरह से आना है पूरा बताया जाएगा। आप गूगल में आप जेएसएससी झारखंड का साइट आप खोल लो, जेएसएससी क्लिक करके यहाँ पहला साइट मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। देखो जिस तरह खुलेगा, इस तरह का आपको इंटरफेस नजर आएगा। यहीं पे आपको इंपॉर्टेंस लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, यहीं पे आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आप लोग, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर CGGLCCE 2023। यहीं पे आपको नीचे एक्शन बटन के नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करो, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आपको ओके क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आप लोग को नजर आ जाएगा। आपको यहाँ देख पाएगा जो आप लोग को अभी हम बताए, JGGLCCE, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कंपटीशन, ठीक है, एग्जामिनेशन ये होता है, ठीक है। इसका फॉर्म निकल चुका है, इसको किस तरह से अप्लाई करना है, इसको शॉर्टकट में बोले तो झारखंड सीजीएल बोल सकते हैं। ये ग्रेजुएट लेवल का ये फॉर्म होता है, तो इसको किस तरह से अप्लाई करना है पूरा वीडियो बताया जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, क्योंकि टैक्स रिलेटेड वीडियो डेली कुछ ना कुछ इस चैनल से अपडेट मिल जाएगा। तो आप सिंपली पहले हम देख, तो यहाँ पे जाते हैं कैंडिडेट लॉग इन पे, यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को देखना है, ठीक है। यहाँ पे यदि आप पुराना लॉग इन हो गए तो आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। यदि आप न्यू अप्लाई करना, देखो यहाँ पे, देखो आपको एक चीज़ दिखाते हैं, हम ऑनलाइन अप्लाई पे जाते हैं। देखो यहाँ पे, देखो ये जो देख पा रहे हो, ये फॉर्म जो देख पा रहे हो, ये 2015 न्यू अप्लाई में हम जाते हैं, ठीक है। तब आप देखिएगा ये फॉर्म 2015 में निकला है, 2019 में निकला है, 2021 में निकला है, ठीक है। इसके बाद इसके 2021 के बाद अब निकल रहा है 2023 में। कहने का मतलब 2015 में भी एग्जाम नहीं हुआ, 2019 में भी एग्जाम नहीं हुआ, 2021 में भी एग्जाम नहीं हुआ, इस बार 2023 में निकला है। इस बार भी एग्जाम लेगा कि नहीं पता नहीं, पर ये फॉर्म निकला है, इस बार अप्लाई करने बोला है। तो जैसे कि आप यदि 2015 में या 2019 या 2021 में किसी में से भी यदि आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, यदि किए होंगे, यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यस करोगे, तो आप यहाँ पे यस करोगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पुराना वाला लिखने बोलेगा। इसके बाद आपको पुराना डेट ऑफ बर्थ अपना लिखने बोलेगा। इसके बाद आप जेंडर क्या है मेल सेलेक्ट कर दोगे। इसके बाद आप देखो क्या झारखंड के निवासी हो, यस करोगे तो ठीक है, यस करोगे आप तो आप लोग का कैटेगरी खुल जाएगा, कैटेगरी खुल जाएगा, ठीक है, आप जो ले सकते हो। यदि आप यहाँ पे नो करते हो कि झारखंड का निवासी नहीं है, तो आप ऑलरेडी क्या जनरल से यहाँ जाओगे। तो ये यदि आप नो सेलेक्ट करोगे यार यहाँ का जनरल दोगे, तो यहाँ में ये है कि आपको आवासीय दिखाना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे झारखंड का निवासी करोगे और जनरल यदि डालते हो, ठीक है, सिर्फ जनरल का बात कर रहे हैं, जनरल यदि डालते हो तो आपको आवासीय दिखाना जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप झारखंड का आवासी है, तो झारखंड का आप लोग निवासी है इसलिए आपको ये है। और यहाँ नो करोगे तो ऑटोमेटिक आप 10% से जो आते हो उससे सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इसके बाद आपको नेवी में हो कि नहीं हो नो कर दोगे, स्पोर्ट कोटा से आते हो कि नहीं नो कर दोगे, और यहाँ पे पीएच कैटेगरी, यहाँ पीएच कैटेगरी में आते हो कि नहीं, हैंडीकैप हो कि नहीं, ये कर यस नो कर दोगे। नो करोगे यदि यस करोगे तो आप लोग का देखो देख पा रहे हो यस भी कर सकते हो, कुछ ऑप्शन नहीं खुल रहा तो आप यस भी कर सकते हो। यदि होंगे आप, ठीक है, नहीं होंगे तो आपको सिंपली नो करना है, ठीक है। अभी आप लोग को हम दो स्टेप में फॉर्म बना बताएंगे। अभी फिलहाल हम बता रहे हैं यदि आप लोग का पुराना रजिस्ट्रेशन हो तो आप किस तरह से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और न्यू से भी आप लोग को बताएंगे। तो पुराना के लिए आप ये कर सकते हो, ठीक है, कि आप लोग का सब कुछ कर लेना है। यहाँ पे आपको पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ डेट ऑफ बर्थ क्लिक करके आपको प्रोसीड करना है। आप लोग को हम करके अभी बताते हैं, ठीक है। हम जैसे ही आप पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मार के क्लिक करोगे, आपका इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा, इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे आपका पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा, यहाँ पे आपको देखो इंडियन सिटीजन है कि नहीं यहाँ सेलेक्ट करने बोलेगा, यहाँ आप लोग का नाम दिख जाएगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा। इतना चीज़ आप लोग को ऑलरेडी भरा हुआ नजर आएगा, यहाँ पे आप लोग को आगे भरना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ इंडियन सिटीजन है कि नहीं यस करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे अपना पापा का नाम, यहाँ पे आप लोग का माँ का नाम, यहाँ पे अपना आप लोग का मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप लोग का मैरिड है कि अनमैरिड है, ठीक है, एक ही चीज़ सेलेक्ट। और यहाँ पे देखो क्योंकि आप लोग झारखंड रेसिडेंट है, मतलब हम लोग झारखंड का निवासी है, तो यहाँ पे आप लोग को डिस्ट्रिक्ट दे देना है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। तो मेरे केस में जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो इस तरह से आप लोग भर सकते हो, ठीक है। जैसे आप वो सब भर दोगे, यहाँ पे झारखंड का निवासी यस कर दोगे, यहाँ पे ऑलरेडी जो आप पहला स्टेप में आप कैटेगरी सेलेक्ट किए होंगे वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे नो नो सेलेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग का आधार नंबर क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोग का क्या एक चिन्ह क्लिक करना है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे आप लोग का क्या है वैकेंसी टाइप है, क्या है रेगुलर है कि बैकलॉग, ये क्लिक करना आप लोग, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी टाइप देख पा रहे हो रेगुलर, जो अभी इस साल न्यू फ्रेश अब कर रहे हो तो आप रेगुलर क्लिक करोगे, और यदि आप मतलब पुराना वाला, क्योंकि हम लोग पुराना वाला कर रहे हैं, तो ये बैकलॉग आ जाएगा, ठीक है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, नहीं, तो आप लोग को ये रेगुलर ही रखना है, ठीक है, ये गलत है, ये दूसरा चीज़ है, फिर ये आप लोग को रेगुलर ही रखना है, ठीक है। आप लोग को एक चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, यहाँ आइडेंटी मार्क दे दोगे, इसके बाद आपको नीचे आ जाना, नीचे आ जाने के बाद यहाँ पूरा सेक्शन देख पा रहे हो एड्रेस का, क्लिक कर देना आप लोग, यहाँ पे एड्रेस क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप लोग का स्टेट दे दोगे क्या है, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लोगे, और यहाँ पे आप लोग पिन कोड अपना दे दोगे, ठीक है।
यहाँ पे यदि आप लोग का एड्रेस सेम रहेगा तो आप सेम एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ दे दोगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग का मोबाइल नंबर क्लिक करना है, यहाँ आप लोग को कन्फर्म मोबाइल नंबर क्लिक करना है, यदि यहाँ आप लोग ईमेल आईडी पे ईमेल आईडी कन्फर्म कर लेना है। इसके बाद आप लोग को क्या सिलेक्ट करना है, पोस्ट सेलेक्ट करना है, प्रिफ्रेंस आप लोग सेलेक्ट करोगे कौन सा पोस्ट, ये जो वैकेंसी के रिलेटेड जितना भी पोस्ट है आप लोग देख लोगे नोटिफिकेशन में आपको कितना कितना किसमें सीट है, इसके मुताबिक आप लोग प्रिफ्रेंस दे दोगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कितना है, कम से कम 7 प्रिफ्रेंस दे सकते हो, अपने मुताबिक आप लोग दे देना है। ठीक है आप लोग को, और ये जो पोस्ट प्रिफरेंस है आप लोग एकदम डिटेल से आप लोग देख लेना किसमें कितना पोस्ट है, उसी के हिसाब से दोगे आप लोग। ठीक है, साथ आप लोग को प्रिफरेंस देना है कम से कम, तो आप लोग एकदम ध्यान से देख के आप लोग करना है। ठीक है, यहाँ से आप लोग ध्यान से देख लोगे, इस तरह से आप लोग अपना जो पोस्ट है, जो पोस्ट में आप लेना चाहते हो, किसमें कितना फॉर्म वैकेंसी है, देख के आप लोग यहाँ पे भर लोगे। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे आ जाना, नीचे आ जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे डिटेल देना है, 10 का डिटेल देना है, कौन स्कूल से आप पढ़े होंगे वहाँ पूरा स्कूल का नाम लिख दोगे, कौन सा बोर्ड था 10 का वो लिख दोगे, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग दे दोगे। ठीक है, कौन से ईयर में आप पास किए थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोग परसेंटेज दे दोगे कि आप लोग का कितना परसेंट था, और यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं देना 10 वाले में। इसके बाद 12th वाला भी सेम टू सेम, आपका कौन से स्कूल से पढ़े होंगे, कौन सा बोर्ड था, कौन ईयर पास किए होंगे। ठीक है, कौन ईयर आप लोग पास किए होंगे, एक एक चीज़ आप लोग डिटेल एकदम अच्छे से चेक करके भरना। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज दे दोगे और सब्जेक्ट आप लोग को दे देना कि आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट था, कि 5 सब्जेक्ट होगा वो 5 सब्जेक्ट इसी तरह से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये देख बता दे रहा आपको हिंदी स्पेस देके आप लोग कर दोगे इंग्लिश, इस तरह से आप लोग भर सकते हो। ठीक है, इस तरह से 5ों सब्जेक्ट आप लोग भर सकते हो, और यदि नहीं हो तो आप लोग ऐसे करें ऑल जनरल सब्जेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ऑल जनरल सब्जेक्ट इस तरह से आप लोग भर सकते हो इसको। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तीसरा, आप लोग ग्रेजुएशन में भी आप लोग का कौन से स्कूल से पढ़े होंगे, और यहाँ पे कौन सा यूनिवर्सिटी था, कौन सा स्कूल यहाँ पर दोगे, यूनिवर्सिटी था या कौन सा ईयर था, यहाँ परसेंटेज कर दोगे, और यहाँ पर सब्जेक्ट पे आप लोग ऑनर्स लिख देना है। क्या लिख देना, यदि आप लोग का हिस्ट्री ऑनर्स हो तो समझ लो जो भी ऑनर्स हो आप लोग का हिस्ट्री इस तरह से ऑनर्स कर दोगे। ठीक है, ऑनर्स कर दोगे, कौन सा सब्जेक्ट है इस तरह से आप लोग कर दोगे। जैसे ये सारी चीज़ भर लोगे, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट बटन आप लोग को क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप सब चीज़ लिख के प्रोसीड करोगे आप लोग का टोटल डिटेल आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा, एक एक चीज़ आप लोग देख लोगे सब चीज़ सही लिखे हैं कि नहीं, लिखे नीचे लिखने के बाद आप लोग को एकदम देख लोगे चेक कर लोगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आ जाना है। ठीक है, एकदम इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आई हर बार यहाँ पे ये क्लिक कर लेना है, इसके बाद यहाँ पे ये कैप्चर क्लिक करने के बाद आप लोग को सबमिट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करके सबमिट करोगे तो इस तरह का आप लोग को नया रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग को मिल जाएगा, इसको आप लोग को नोट करके रख लेना या प्रिंट आउट करके रख लेना, क्योंकि इसी से हम लोग का लॉगिन होगा अभी। ठीक है, इसके बाद आप लोग का इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा आप लोग को। इसके बाद आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला अभी और वो डेट ऑफ बर्थ देख के आप लोग को ये कैप्चा देख के आप लोग को लॉगिन करना है। इस पेज पे आप लोग को कहाँ से पहुँचना है देख लो, ये जैसे यहाँ हम लोग क्लिक किए थे यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लेना है, यहाँ पे ही आपको लिखेगा लॉगिन, जब आप अप्लाई नाउ पे या पुराना करो या नया करो जब करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पेज मिल जाएगा, यहाँ पे आपको लॉगिन, यहाँ पासवर्ड और यहाँ कैप्चा देके लॉगिन कर लेना। ठीक है, आप लोग को अब बताते हैं हम, जैसे ही आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसके बाद आप लोग को फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन, लॉगिन करोगे तो फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आप लोग को इस तरह से नजर आ जाएगा। और ये क्यों दिख रहा है मेरा फोटो सिग्नेचर, यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप लोग का कम से कम 24 घंटा दिखता है, लेकिन वो 48 घंटे के बाद ही खुलता है, तो ये याद रखने वाली, ये हम लोग का पुराना रजिस्ट्रेशन किया हुआ था इसलिए हम लोग का ये फोटो और साइन वाला सेक्शन खुल गया। यहाँ पे आप लोग का नाम दिखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली चूज फाइल में जाओगे आप लोग और यहाँ पे आप लोग को अपलोड कर लेना जहाँ पे भी आप लोग का होगा। ठीक है, यहाँ पे भी होगा आप लोग का फोटो, इस तरह से सेलेक्ट करोगे आप लोग और फोटो का साइज देख पा रहे हो 20 से 50 KB के अंतर्गत और साइन 10 से 20 KB का, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करोगे आप लोग का हो जाएगा अपलोड इस तरह से। इसके बाद आप लोग चूज फाइल में फिर से जाना है, जैसे आप लोग साइन भी सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर यहाँ पर क्लिक करोगे ये आप लोग का साइन आप लोग का अपलोड हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये कैप्चर क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या कर देना है, बस जैसे ही आप लोग कैप्चा क्लिक कर दोगे यहाँ पे सेव और नेक्स्ट कर दोगे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा कम्प्लीट। यहाँ पे जैसे ही आप कर दोगे आप लोग का इस तरह का फॉर्म फिलअप आ जाएगा, देखो योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कम्प्लीट झारखंड, जो झारखंड का सीजिल आप लोग कम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को एक एक चीज़ समझ में आ गया, ये आप लोग का पुराना रजिस्ट्रेशन यदि होगा तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। अब आप लोग हम नया करके बताएंगे एकदम फ्रेश किस तरह से आप लोगों को करना है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना है आप लोग को। ठीक है, आप लोग हम फ्रेश करके बताते हैं आप लोग को, फिर से वही JSSC का साइड में आ जाना आप लोग को, यहाँ पे आके शुरू से आप लोग को यहाँ आप लोग का आ जाना है, यहाँ पे आ जाना है आप लोग को। यहाँ पे आ जाना आप लोग को, यहाँ पे आने के बाद आप लोग फिर इस बार फ्रेश हम लोग को अप्लाई करना था, आपको सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि हम अगले बार यस किए थे, इस बार आप लोग फ्रेश करना आप लोग को नो करना है। इसके बाद आप क्या इंडियन सिटीजन हो यस कर देना आप लोग को, यहाँ पे आप लोग का अपना नाम लिख लेना है क्या नाम है आप लोग का। ठीक है, इसके बाद आप लोग को डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लेना है कि आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है, आप लोग एकदम देख के एकदम सही सही एकदम डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आप लोग कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का अपना का पापा का नाम आप लोग को सेलेक्ट कर लेना लिख लेना है,
यहाँ पे आप लोग का माँ का नाम लिख लेना आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आप लोग का मेरिटल स्टेटस बता देना है, मैरिड है कि अनमैरिड है, ठीक है। इसके बाद आप लोग को लोकल रेसिडेंट झारखंड, आपके झारखंड का निवासी है कि नहीं है, यदि यस है तो यस करना है, यदि नो करोगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक आप लोग क्या है ऑलरेडी सिर्फ जनरल से आओगे, 10% के कैटेगरी में आप लोग आओगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। और यदि आप यस करोगे, यस करने के बाद आप लोग को कैटेगरी कहाँ के निवासी हो आप लोग को ये बताना है, जैसे हम लोग जामताड़ा के निवासी, तो आप जामताड़ा के निवासी। इसके बाद आप लोग कैटेगरी, यदि आप ये यस करके जनरल सेलेक्ट करते हो तो इसका मतलब आप लोग का झारखंड का आवासीय हुआ हो और आप लोग जनरल हो, तो आपको इस केस में आप लोग आवासीय दिखना होगा। इसके अलावा कोई भी कैटेगरी आप लोग सेलेक्ट करोगे, SC ST, अभी तो आप लोग का क्या आवासीय नहीं लग रहा, लेकिन आप लोग का जब इलेक्शन यदि हो जाए तो आप लोग को SC का जब देखोगे या कोई भी सेक्टर में तो आप लोग को वो दिखाना होगा, ठीक है। तो एक चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग का एप्लीकेशन है कि नहीं, यस नो कर देना आप लोग को, यहाँ भी नो कर देना आप लोग को, यहाँ पे भी नो कर देना आप लोग को, यहाँ पे आप लोग का आधार नंबर क्लिक कर देना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे एक चिन्ह क्लिक कर लेना है, यहाँ पे रेगुलर कर लेना आप लोग को, यहाँ पे पूरा एड्रेस आप लोग को लिख लेना, आप लोग को ये पूरा सेक्शन में एड्रेस कर दोगे। यदि आप लोग का एड्रेस परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट यदि सेम हो तो आप सेम क्लिक कर दोगे, ठीक है। ये जो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस जो होता है उसको प्रेजेंट एड्रेस को बोलता है। यदि आप रहते हो बिहार में या कहीं और रहते हो और पढ़ाई कर रहे हो झारखंड से या कुछ भी, तो इस केस में ये कर सकते हो। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर क्लिक कर दोगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर क्लिक कर दोगे, यहाँ पे ईमेल आईडी क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आप लोग कन्फर्म ईमेल आईडी कर दोगे, यहाँ पे प्रीफ्रेंस आप लोग जो अभी हम बताए ये सारे प्रीफ्रेंस आपको दे दोगे, यहाँ पे आप लोग का स्कूल का नाम, यहाँ पे आप लोग का बोर्ड दे देना है या कौन से ईयर पास किए होंगे, परसेंटेज दे देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ सेम टू सेम इस क्लेस कर देना और नेक्स्ट कर देना आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना दूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे आप पूरे चीज डिटेल भर लोगे, यहाँ पे एक एक चीज भर लोगे, यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, आपको नेक्स्ट क्लिक कर लेना है। थोड़ा सर्वर इस तरह का आप लोग का सर्वर प्रॉब्लम भी दिख सकता है, ठीक है। तो आप लोग पीछे शुरू से आप लोग कर लेना, ठीक है। एक एक चीज यदि आप लोगों को उस तरह का सर्वर डाउन नजर आए तो आप लोग फिर से एक एक चीज डिटेल से शुरू से कर लोगे। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट बटन क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे नेक्स्ट बटन क्लिक करोगे आप लोग का एक एक चीज डिटेल आप लोग का दिख जाएगा, इस तरह सा इंटरफेस आप लोग का क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या नाम है, बस यहाँ देखने के बाद आप लोग को नीचे आ जाना है। यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन वाले वाले क्लिक करना है, यहाँ पे कैप्चा लिखने के बाद आप लोग को यहाँ क्लिक करने के बाद यदि कुछ गलत हो तो आप लोग एडिट करोगे, यदि गलत नहीं है तो सिंपली आप लोग सबमिट कर दोगे। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे इस तरह का आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर नजर आ जाएगा, आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा, इसको आप लोग नोट करके रख लेना आप लोग के सामने, ठीक है। इसके बाद आप लोग अब आप लोग को ये रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ देकर आपको लॉगिन करके बताएंगे ये हम लोग नया अप्लाई किए, ठीक है। इस केस में आप लोग को क्या दिख रहा है आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। फिर से आपको लॉगिन पेज में आ जाना है, आप लोग को बताया किस तरह से लॉगिन पेज में आना है, यहाँ आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा देकर आपको फिर से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। देख पा रहे हो ये मेरा नया केस में, जैसे ही हम लॉगिन हुए यहाँ पे मुझे ₹100 का फीस पे करने के लिए बोल रहा है, और वो जो देखो ये जो दिख पा रहा है यू कैन पे एप्लीकेशन फी 24 घंटा दिख रहा है, सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब आप रजिस्ट्रेशन के 24 घंटे बाद ही आप लोग पे कर सकते हो, यहाँ साफ साफ लिखा उठ रहा आप लोग, ठीक है। तो आप लोग 24 घंटा दिख रहा है लेकिन ये 24 घंटा तक नहीं लेता अप्रूव, कि कम से कम 48 घंटे बाद ट्राई करो आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग सिंपली पे नाउ करना, 24 घंटा बाद आप पे करके देखो यदि हो जाए तो, ठीक है, नहीं तो 48 घंटा बाद ट्राई करोगे, ये दिखता है 24 घंटा बट कम से कम 48 घंटा लग जाता है ये फॉर्म ये झारखंड का, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें बस, आपको इसके बाद कुछ नहीं, सिंपली पे नाउ पे क्लिक कर लेना है आप लोग को। फिर आप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग का सेलेक्ट कर लेना आप लोग का क्या है, ये ध्यान से आप लोग का सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप लोग गलत नहीं करोगे। अभी 3-3 वैकेंसी चल रहा है झारखंड में, ये JEE CC इसका भी फॉर्म आप लोग को बता चुके हैं इसका। तो आप लोग अभी जो है आप लोग का JGGL CCE कहने का मतलब झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, आपको ये क्लिक करना है, ये भी ध्यान से क्लिक करोगे। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, यहाँ कैंडिडेट का नाम, यहाँ फादर्स नेम, यहाँ आप लोग लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड का यस कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। आप लोग यहाँ कैटेगरी कर दोगे क्या है, जनरल ओबीसी क्या हो, या मोबाइल नंबर, या एग्जामिनेशन फीस कितना लग रहा है, 100% कर दोगे। यहाँ पे रिमार्क में कुछ लिख सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिख दोगे, यहाँ मोबाइल नंबर कर दोगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ ईमेल आईडी क्लिक के, यहाँ पे ये कैप्चा क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग सिंपली नेक्स्ट करने के बाद आपको पे कर लेना है, ठीक है। आप लोग पे करोगे आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है आप लोग का मेरा, नहीं तो आप लोग को यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग का पे करके भी हम बताएंगे 24 घंटा बाद, ठीक है। ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है, क्योंकि टैक्स रिलेटेड वीडियो डेली कुछ ना कुछ इस चैनल से मिल जाएगा। और आप लोग को एक एक चीज डिटेल पाने के लिए झारखंड से या कोई भी चीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।